हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील अरोरा। इस वक्त मैं वडोदरा गुजरात के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, देखने के लिए क्या हालात है यहां पर, ये बिका कि नहीं बिका। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पंजाब में, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पढ़े लिखे लेक्चरर हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, सब बोल रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए। मैंने बोला चलो देखते हैं यार क्या बेचा, कितना बेचा। यहाँ अगर देखा तो ये स्टेशन तो पहले देखा हुआ मेरा, लेकिन अब बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। शायद बेच दिया हो इसलिए साफ सुथरा कर दिया गया। हर तरफ से वो पहले वाला कचरा, पहले वाला वो जो बद इंतजामी थी, नहीं थी। सब कुछ जो लेंद अच्छी थी, सफाई थी, कलर किया हुआ था, कचरे का एक टुकड़ा नहीं देखा मैंने। ऐसे मैंने रेलवे काउंटर देखे जो पहले हमने कभी सोचे भी नहीं थे। मैंने सोचा शायद बेच ही दिया, ये तो एयरपोर्ट लग रहा है, स्टेशन ऐसे थोड़ा होते इंडिया के। इंडिया के तो स्टेशन में धक्कम धक्का, गंदगी, थूके, कचरा, पेशाब की बास होती है। ऐसे लोग देख रहे थे ट्रेन कौन आएगी कौन जाएगी, ये ऐसा बड़ा सारा डिस्प्ले देखा मैंने। मैं हैरान हो गया यार, वहाँ पर किसी की फ़ोटो देखे कि व्हाट्सएप करो अगर कचरा दिखाई दे। क्यों व्हाट्सएप करे, कचरा तो हमारा अधिकार है। कचरा ना होवे तो हम कांग्रेसियों को मजे नहीं आते। कांग्रेसी इस देश पे राज करते रहे हैं और कचरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहली बार मैंने लाइफ में देखा किसी स्टेशन पर अपाहिजों के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है हैंडीकैप्ड का। जैसे फॉरेन में हम देखते थे ना तो सोचते थे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है। इंडिया में धक्कम धक्का बेचारे अपाहिज लोग जो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग भाई जो हमारे, जिनको दिव्यांग नाम दिया गया, उनके लिए लिफ्ट अलग से लगाई गई। तो मुझे लगा ये खर्चा इतना मोदी क्यों कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इतनी सफाई क्यों कर रहा, आखिर क्या करवाई जा रही है। ये स्टेशन बेच दिया शायद, इतनी लिफ्ट क्या करनी है यार। हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम तो सामान उठा के वैसे ही सर पे लेके जाने वाले लोग हैं। जब से देश आजाद हुआ हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वैसे ही जी रहे हैं। प्लेटफॉर्म देखा तो इतनी साफ सफाई, लगा ही नहीं ये हमारा देश का रेलवे स्टेशन है। हमारे देश के रेलवे स्टेशन इतने साफ सुथरे नहीं थे, अरे इतने साफ, हम तो भाई घबरा जाएंगे। जिन्होंने जिंदगी में सदा कचरे टट्टियाँ देखी हैं उनको ये साफ सफाई हजम नहीं होएगी। क्यों साफ सफाई करा रहा मोदी, क्या मोदी को आना है यहाँ पर? हमारे ऐसा होता जब कोई मंत्री दौरा करता तब साफ सफाई होती है, लेकिन ये तो लोग हर वक्त साफ सफाई रखने लगे, इससे कितना खर्चा हो रहा है। देखो साफ सफाई वाली मशीनें लगे हुए हैं, लोग कितने साफ सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये रेलवे के ट्रैक कभी कांग्रेस के जमाने में टट्टियों से भरे होते थे, आज वो स्मेलें नहीं आ रही हैं। कांग्रेसियों को कितनी निराशा हो रही है, इतना दुख हो रहा होगा। हमारे रेलवे स्टेशन क्यों साफ किए जा रहे हैं, इतना रोजगार लोगों को दिया गया, लोग लगे हुए काम पे, भाई हम इस आदत के नहीं है। मोदी जी हम तो कचरे में रहने वाले लोग हैं, जब से देश आजाद हुआ हमने कचरा ही मिला हमको। तो मुझे याद एक बार लुधियाना रेलवे स्टेशन पे, 15 साल पहले की बात होगी, मेरा बच्चे को टॉयलेट आई तो मैं उसको टॉयलेट में लेके गया तो बच्चा समझो उल्टी जैसी होने लगी थी मेरी और उसकी, टट्टी पर टट्टी, टट्टी पर टट्टी पड़ी हुई थी। ये देखो ये भी रिटायरिंग रूम है पर एसी वालों के लिए है, ये भी बहुत अच्छा है। पहली बार बच्चों के लिए अलग से एक बॉक्स रूम बना हुआ है, ऐसा इंडिया में संभव है? ये कोई कौन सा देश में आ गए यार, भारत में तो ये सब नहीं होता ना। भारत तो गरीब देश है, इनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों के पास, फिर ये इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? इतनी कुर्सियाँ, इतने आरामगह, एयरपोर्ट जैसे बनाने का क्या मतलब है, क्यों पैसा बर्बाद किया जा रहा है? इतने सारे डस्टबिन लगा दिए गए, इसी डानी की फैक्ट्री के डस्टबिन तो नहीं उसको फ़ायदा करने के लिए लगाए हो? ये आम लोगों के लिए जो स्लीपर क्लास है उनका ये वेटिंग रूम है। तो मैंने देखा ये भी बहुत साफ किया हुआ, इतना साफ चमक रहा है, क्यों किसके लिए चमका रहे हो मोदी जी? आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं आ रहे यहाँ पर? लोग मजे कर रहे हैं, चमकती सीटें, चमकते फर्श, और ये आदमी जो बैठा हुआ टॉयलेट वाला, इतने साफ टॉयलेट नहीं, हमारे देश में साफ टॉयलेटें नहीं चलती हैं। हम तो भाई जब से आजादी मिली है कांग्रेसियों ने जो गंद दिया उसी को हम जी रहे थे, इतने साफ रेलवे स्टेशन।
अच्छा, कांग्रेसियों के घर देख लो बहुत साफ सुथरे हैं, पर देश गंदा करते थे वो। मोदी जी ने घर चाहे नहीं बनाया, देश साफ करने निकले हुए हैं। इतनी चमक चमक दमक चमक, मोदी जी क्या कर रहे हो? ये बहुत पुराना मैंने देखा, ये कांटा बहुत पुराना अंग्रेजों के समय का। लेकिन साथ ही देखो मॉल, जैसे मॉल में एस्केलेटर होते ना, ये रेलवे स्टेशन है वडोदरा का, गुजरात का। मोदी जी, हम तो भाई सर पे सामान उठा के लेके जाने वाले, क्यों हमको इतना बिगाड़ रहे हो? या एस्केलेटर लगा के क्यों हमारा भला कर रहे हो? क्यों स्टेशन बेच रहे हो? ये स्टेशन बेचा नहीं है, ये मेंटेनेंस किया हुआ है। कांग्रेसियों को इसको बेचना बोलते, शर्म करो गद्दारो, शर्म करो।